मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नाउ. मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग फोर्स इज वीक वीक वैन डेर वाल्स फोर्स, जैसे आयोडीन है, वॉटर है. एंड लास्ट वन जो है, सो अभी तक मुझे बताया आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बताया हमने, आयन्स, यही मुझे चाहिए. कोवेलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. एंड नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज मेटालिक सॉलिड्स. मेटल्स, मेटालिक सॉलिड्स मीन्स मेटल्स. ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको मेटल्स का मेटालिक बॉन्ड बताता हूं. ये देखो बेटा, मेटल का पार्टिकल है, मेटल का पार्टिकल है. अब मेटल्स एक थ्योरी है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल थ्योरी. उसके बेस पर इलाज में अभी थोड़ा सा बताया था कि अगर एक मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. पॉजिटिवली चार्ज होते हैं मेटल में पार्टिकल्स, और जो इलेक्ट्रॉन ने लूज किया है, दे आर रोटेटिंग, दे आर रिवॉल्विंग, दे आर मूविंग बिटवीन दीज पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स लाइक दिस. इसको इलेक्ट्रॉन गैस बोलते हैं. जो ये पार्टिकल, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस. और पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं, चाहे प्लस वन चार्ज हो, प्लस टू चार्ज हो, इनको बोलते हैं कर्नल्स. राइट. अब अगर आपको कहा जाए, बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसमें मेटल्स में, तो आप कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. They are immersed in sea of electron. जैसे electron का ये electron gas है, बीच में जो move करता है, इन्हीं में ये positively charged kernels हैं. और अब force उनको एक साथ कौन रखता है? इन electron और इन positively charged kernels के बीच में एक force of attraction होता है. There is a force of attraction between negatively charged electrons and positively charged kernels and this force is known as metallic bond. So, अगर question में बताऊं आज आपको, what is metallic bond? आप कहेंगे, it is the force of attraction present between positively charged kernels and negatively charged electron gas. Right? And what are the constituent particles? Kernels. अब यहां पर पूरे ध्यान से देख लेंगे हम, ionic solids में constituent particles क्या थे? Ions. एक मिनट, आयन्स थे. दूसरा, कोवेलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या थे? एटम्स. राइट, एटम्स थे, बहुत अच्छा. तीसरा हमने किया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या थे? मॉलिक्यूल्स. सही, मॉलिक्यूल्स. और लास्ट क्या हमने, मेटालिक सॉलिड्स. मेटालिक सॉलिड्स, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स. अब ध्यान सुनिएगा, पहले में कौन सा फोर्स था? पहले में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बाइंडिंग फोर्स. दूसरे में क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या डिस्पर्शन फोर्स होता है, और इसमें मेटालिक बॉन्ड होगा मेटालिक सॉलिड्स में. अब मुझे आगे, क्योंकि हमने क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मुझे इनको पार्टिकल्स के बाद का स्ट्रक्चर दिखाना है. तो वो पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में? अगर आज मैं आपको कहूं, बता दो पार्टिकल्स जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या कर्नल्स हो सकते हैं. सो ये चार टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे आगे. तो जब भी मैं बोलूंगा आगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयन, एटम, मॉलिक्यूलर, कर्नल, फटाफट आपको बोलना है. और इन सब को हम, चाहे कोई भी पार्टिकल क्यों ना, इसको हम स्फीयर ही मानते हैं. दे आर रिगार्ड एज स्फीयर्स. इनको हम स्फीयर से ही दिखाते हैं. इनको हम से ये छोटे स्फीयर्स होते हैं, छोटे छोटे स्फीयर, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, या कर्नल्स हो, दे आर रिगार्ड एज स्फीयर्स. राइट.
ये था आज का हमारा क्लास। अब मैं आपको बोर्ड पर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वी कैन डिस्कस ऑन बोर्ड, राइट? आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस नाउ ऑन बोर्ड।